Hey, hello everyone. So before start, if you have any query, we can solve first, and after that we will start our mermaid style hostel. Hey, hi, hello everyone. Good afternoon. Okay, let's start. Chalo, start karte hain. So, आज सबसे पहले हम mermaid style hairstyle start करेंगे जो very quick में होगा. और जो हमने लास्ट 2 डेज में पुलिंग टेक्निक स्प्रेडिंग टेक्निक यूज की है ट्विस्टिंग वी आर यूजिंग लास्ट इन लास्ट 2 डेज लाइक ट्रेडिशनल में हमने ट्विस्टिंग सीखा वही हमने वेस्टर्न में किया था दैट विल आल्सो बी यूज इन वेस्टर्न सो दिस विल कंटिन्यू इन अ मर्मेड स्टाइल लेट्स स्टार्ट सबसे पहले फर्स्ट रूल मैम फ्रंट का जो है जो स्टाइल है 3 पार्ट में वो एक साथ मर्ज हो जाता है पार्ट नहीं दिख रहा है एक साथ मर्ज कैसे हो रहा है या तो आप उसको एक साथ अगर मर्ज हो रहा है तो यूज योर वुडन स्टिक एल्स यूज यू कैन यूज दिस बिगर साइज सेक्शन पिन अगर आपका ये मर्ज हो रहा है तो आप इसमें गैपिंग के लिए ऐसे यूज करो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे तो वो खुद से एक दूसरे में ये देखो ऊपर ऊपर रखूंगी तो खुद से अपर डायरेक्शन में यूज करो तो वो खुद से स्टे करेगा चलो स्टार्ट करते हैं मर्मेड स्टाइल में फर्स्ट वेरिएशन इन मर्मेड स्टाइल ओपन लुक जो हम ट्रेडिशनल में मेहंदी फंक्शन इन एनी फंक्शन यू कैन क्रिएट दिस मिडल पार्ट आफ्टर दैट मिडल पार्टिंग योर टू योर सेक्शन अभी हमारा ओपन वेरिएशन नाउ वी आर क्रिएटिंग ओपन सो वी डोंट क्रिएट अ पफ फ्रॉम हियर ईयर पार्टीशन से पफ नहीं लेना है टू फिंगर आप यहां से आपको पफ का सेक्शन लेना है फ्रॉम हियर वी हैव टू क्रिएट अवर पफ वेरी लिटल बहुत बल्कि बाउंसी पफ नहीं करना है वी डोंट हैव टू क्रिएट वेरी बाउंसी पफ और एक बेस बनाना है For open variation, we are using base. For base, we are using open donut. जितना हेयर का लेंथ है उस हिसाब से आपको ये डोनेट यूज करना है We have to use this kind of donut, open donut, according to your hair length. So, यहाँ पे first we have to fix our donuts. So, we have to just 3 equal part. फर्स्ट पार्टीशन आफ्टर दैट सेकेंड पार्टीशन जस्ट फॉर बेस हम यहां पे मिडल में बेस क्रिएट करेंगे एंड यहां से फुल अप ले लेंगे यहां पे
स्ट्रेट पार्टीशन पुल अप। यहाँ पे हम बेस अटैच करने वाले हैं। सो कैसे अटैच करेंगे? बैक कॉमिंग करके। हाउ टू क्रिएट बैक कॉमिंग ओवर हियर? टू इक्वल पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगी। आई एम डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट। फर्स्ट पार्ट लाइक दिस, वी हैव टू डू बैक कॉमिंग नाइसली। डोंट डू दिस काइंड ऑफ, लीव लिटिल बिट ऐसे। This is compulsory base in a mermaid style, open variation. फिर यहाँ पे हार्ट स्प्रे, अच्छे से हार्ट स्प्रे करना है। यूज योर डोनेट ओवर हियर, हम यहाँ पे यूज करेंगे डाउनवर्ड पोर्शन। टक इट विथ बिगर साइज बॉबी पिन से इसको लॉक करेंगे, एक यहां से एक यहां से। सी, अगेन and one in middle. This is a common part in every mermaid style open look variation. So इसको हमने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड किया। Now we are creating our puff part. I hope यहाँ तक जो partition का part है वो सबका clear है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, लिटिल बिट। अब जब भी एडवांस करते हो, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग एडवांस वेरिएशन, यू हैव टू डू कंपलसरी क्रिम्पिंग। एंड इन मर्मेड स्टाइल फुल हेयर क्रिम्पिंग करना है। Using shine spray, after that again आपको इसको पिन करना है ऊपर ही, बहुत नीचे पिन नहीं करोगे। You have to tuck it very nicely. बहुत सारे वेरिएशन है जो आप मर्मेड स्टाइल में क्विक में भी कर सकते हो, एडवांस भी कर सकते हो, लेंथी भी कर सकते हो। सो मेनी वेरिएशंस दैट वी क्रिएट बाय क्विक वेरिएशन, एडवांस वेरिएशन।
रेडी है, पफ रेडी है ओपन क्रिएशन के लिए. फर्स्ट आई एम शोइंग यू वेरी क्विक वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन वी कैन क्रिएट. इफ यू वॉन्ट टू पुट ओवर हियर मांग टिका देन मिडल पार्टिंग यू कैन डू, एल्स साइड पार्टीशन. यहां से भी सेक्शन बैककॉमिंग स्प्रे क्रॉस पिनिंग. सी फ्रॉम हियर इक्वल पार्टीशन ने इसको ऐड किया है, साइड पार्टीशन. स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट वेरिएशन से बैक वेरिएशन पे जाएंगे. अभी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में फर्स्ट वेरिएशन आई एम शोइंग यू दैट इज द स्प्रेडिंग टेक्निक, देन वी विल फॉरवर्ड टू ट्विस्टिंग टेक्निक. फर्स्ट पार्टीशन एंड जस्ट स्प्रेडिंग, स्प्रेड कर रही हूं. टेकिंग फुल बॉक्स पार्टीशन, यहां तक का पूरा पार्टीशन ले रहे हैं. कैन जस्ट स्प्रेड फ्रंट वे फ्रंट स्टाइल. होल्डिंग यू पिन, यू पिन से होल्ड करना है. हार्ट स्प्रे अगेन द नेक्स्ट पार्ट. जस्ट टर्न, यहां से लिया, यहाँ पे जस्ट टर्न स्प्रेड किया, इसको ऊपर की साइड स्प्रेड किया, नीचे ऊपर. द रीजन बिहाइंड अपवर्ड बिकॉज मेरी ये पिन मेरे को हाइड करनी थी. होल्ड विथ यू पिन, पिन से होल्ड करना है एक 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 सेक्शन को अच्छे से. आई होप दिस इज क्लियर. Have to do very nicely heart spray. Heart spray बहुत अच्छे से करना, otherwise ये निकल जाएगा आपका. यहाँ पे invisible pin, यहाँ पे hold करने के लिए middle में. Again third partition, यहाँ से ये वाला पार्टीशन जो फर्स्ट पार्टीशन है पहले उसको ही करेंगे. स्प्रेड किया नीचे,
ये हो गया फ्रंट वेरिएशन। आप इसकी जगह पे कोई और फ्रंट वेरिएशन भी यूज कर सकते हो, एनी फ्रंट वेरिएशन यू कैन यूज इन दिस स्टाइल। नाउ साइमल्टेनियसली वन पार्ट हियर वन पार्ट यहां से, एक 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 पार्ट लेते जाना है। स्ट्रेट पार्टीशन और पार्टीशन आपके, योर पार्टीशन शुड बी वेरी स्मॉल। अगेन स्प्रेड, ये आपका गाइडलाइन है, दिस वन इज योर गाइडलाइन। एक टकिंग यहाँ का, टकिंग यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, और ये साइड का, ये साइड में पॉइंट करना है आपको। एवरी टाइम यू हैव टू यूज योर स्मॉल साइज बॉबी पिन। From here, BA section आप कहां तक लेके जाएंगे? इसके middle में, इसको up करना है, यहां से ऐसे, but अगर यहां पे ज़्यादा है, so हम फर्स्ट पार्ट, फिर वापस से जस्ट स्प्रेड नाइसली स्प्रेड करना है। पिन को डालो, जस्ट टर्न, again the partition from here, समझ रहा है सबको? अंडरस्टूड? This is the spreading technique we are using. ये मैंने सिर्फ दो राउंड में किया है, इसके जगह पे I am using only two round from one from left, one from right. अगर इसके जगह पे आपको और भी अच्छे से वेरिएशन देना है फुल हेयर में कैपिंग के बिना, विदाउट कैपिंग यू वॉन्ट क्रिएट, वो भी मैं स्टाइल दिखाऊंगी आपको कैसे क्रिएट करना है।
दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन. बेस है, बेस पे ही आपको पिन करना है. यू हैव टू पिन इन योर बेस, देन ओनली इट्स होल्ड, तो ही वो होल्ड अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा. फुल हेयर में आपको ये कंप्लीट करना है. इसके बाद नया वेरिएशन दिखाऊंगी. आफ्टर दिस आई एम डूइंग another variation. This is our last part. नीचे के जो एक्स्ट्रा डोनेट है उसको भी टर्न कर देंगे. फुल यहाँ पे हम बीच बीच में ऐसे जो प्लेसेस आते हैं ये हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं राउंड शेप में फॉर डेकोरेशन. Just like this. See the full look. ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं ये. The placement. You can use like this butterfly. आपके पास अगर ऐसे कोई butterfly भी है तो भी आप ये जो बीच बीच में gap है यहाँ पे वहाँ पे ऐसे butterflies use कर सकते हो. ऐसे बटरफ्लाइज भी मिलते हैं प्लेन
Any accessories you can drop it over here. Simply plain वाले भी आते हैं, ये भी लगा सकते हो. With pearl भी आते हैं, with pearl you can also use with pearl butterfly. Without pearl ऐसे decorate कर सकते हैं. दो तीन ये बहुत अच्छे से decoration हो सकता है इसका. See the whole creation, both दोनों भी साथ में यूज करके. I hope this one is clear. We will move on to next one. Any doubt? किसी को नहीं समझा है? के बाद हम नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ, नेक्स्ट मेरमेड स्टाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं. यू कैन यूज ट्विस्टिंग टेक्निक. तो इसमें मैं दूसरा मेथड दिखा रही हूँ. आई एम शोइंग यू द डिफरेंट मरमेड स्टाइल इन दिस ओनली. बेस विल बी रिमेन द सेम, बेस सेम ही रहेगा आपका. चेंज इन पार्ट विल बी ओनली पार्ट विल बी दिस. आगे का सब सेम रहेगा. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेडिंग टेक्निक और मिडल में एक वेरिएशन करेंगे, फ्लावर या समथिंग एल्स. सो फर्स्ट यहां से स्ट्रेट पार्ट लेना है, स्मॉल स्मॉल सेक्शन. यहां से पहले मिडल पार्ट को हम फर्स्ट आपको यहां से मिडल पार्ट को सेक्शन को ऊपर ले लेना है. The next variation, middle part को मैंने ऊपर ले लिया because of variation. अभी यहाँ से start करेंगे. We'll start from the starting. Just do simple spreading. Start from the beginning. यहाँ पे spread करना है अच्छे से. Pin डालो. Turn. यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट साइड हम कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी साइड मिलेंगे. अगेन द नेक्स्ट पार्टीशन, इसके एक के नीचे सेक्शन शुड बी वन अनदर वन.
एक साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डाला you have to put your bobby pin, then just turn and fix it. The second partition, 4 to 5 part में divide करके ये करना है. And the last partition, one side we are creating and the another side same thing we are creating in another side. Yahan se पिन इसके ही बाजू में साइमल्टेनियसली स्प्रेड करो. डू स्प्रेडिंग यू पिन, जस्ट यू पिन को अंदर की साइड टर्न करना है एंड पिन इट. इक्वल डायरेक्शन होना चाहिए. And the next last now we are dropping our middle section. See side se कितने अच्छे से ये फॉल दिख के आ रहा है एंड मिडल से हम यहाँ पे रोज क्रिएट करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट वे है इसको क्रिएट करने का. डिवाइडिंग 3 equal parts जो मैंने कल आपको रोज वेरिएशन सिखाया था. Last day I am teaching you the rose variation. We can create same thing. यहाँ पे हम बनाएंगे. First we will start from the middle. Middle part से start करेंगे. Just use your section pin
press it with finger, remove your section pin, just turn, बॉबी पिन नीचे से फिक्स करने के लिए रोज को, देन यू हैव टू जस्ट स्प्रेड इट। स्प्रेड करते करते आपको यू पिन लगाना है। व्हेनेवर यू आर स्प्रेडिंग जस्ट होल्ड विथ यू पिन ओनली। इनविजिबल पिन से जहां पे आपने बॉबी पिन डाला था वहां पे ही मैंने इनविजिबल डाला। इनविजिबल आई एम पुटिंग ओवर द बॉबी पिन। फर्स्ट यहाँ पे अभी डायरेक्शन हमें देना होगा, तो इसको हम पहले सेक्शन पिन सेक्शन पिन डालना है, टर्न करो, सेक्शन पिन डालो, पुट सेक्शन पिन, अगेन यू पिन, देन स्मॉलर साइज बॉबी पिन फॉर बेस, just spread downward. I hope rose creation is clear for everyone. Second part. टैंगल फ्री रखना है अगेन।
यहाँ पे डायरेक्शन देंगे, हेयर को डायरेक्शन देना जरूरी है, यू हैव टू गिव अ डायरेक्शन टू योर हेयर। लिटल बिट बैक कॉमिंग, थोड़ा सा बैक कॉमिंग करना है, जस्ट ब्लो। यहां से भी टर्निंग, यूज योर हार्ट स्प्रे प्रॉपरली सो इट स्टे वेरी नाइसली। Our three flower is ready. Then what we are creating, you can do both the variation, like you can just rubber band over here and do pulling technique, right? Otherwise else you can just twisting technique, just do variation, twist, pull, pulling karna hai, 1 2 3 3 पुलिंग, अगेन नेक्स्ट जस्ट ट्विस्ट, क्लियर? सबको समझ रहा है? Everyone understood or not? आप कर सकते हो, you can do this, can you do this? Like this you can create.
प्रॉपरली एक एक सेक्शन को आपको अलग करना है, देन जस्ट पुल इट लिटिल बिट. अगेन वन रोज यहाँ पे भी. वन स्मॉल रोज turning just again the same thing, twist, twist. यहाँ पे फिर होल्ड करके इसको अपवर्ड कर देंगे. Just doing rubber band. Loose rubber band rakhni hai, spread, spread, open, open, open. See the look. Both the look you can create. पे कर्ल्स कर देने हैं, छोटे छोटे कर्ल्स में उसको टर्न कर देना है. आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन. एनी डाउट आफ्टर
ड्राई यू हैव टू रिमूव ऑल द यूपिल्स, आपकी सारी यूपिल्स आपको निकालनी है. एवरीथिंग यू हैव टू रिमूव. सी फ्रॉम फ्रंट टू बैक. Very gently you have to remove your upin. बहुत स्लो में आपको upin रिमूव करना है. Clear? This is from front to back. So I am ending this session right now and starting in a 5 minutes again. So I will save this video and we will start in 5 minutes. I hope this one is clear for everyone. Any doubts? किसी को नहीं समझ में आया है? If you have any query, just ask me. Very beautiful. Thank you. Did you understand? All of you, you have to understand how to create a different style. So I hope you can create this also.